बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की आज जयंती है। गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया। जी हाँ, अपनी कड़क और रौबदार आवाज से बॉलीवुड में खलनायकी को एक अलग पहचान दी। वे इंडस्ट्री के एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जन्म पंजाब के नौसेरा गांव में 22 जून 1932 को हुआ था। बताया जाता है अमरीश पुरी अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे। अमरीश पुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की फिल्म पुजारी से की थी। इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा सा था। उनके बाद उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद एक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के किरदार ने उन्हें सिनेमा के इतिहास का सबसे खूंखार विलेन बना दिया। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी की भूमिका नजर आई थी। साल 1985 में फिल्म जबरदस्त की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म को आमिर के चाचा नासिर हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे और आमिर इनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे और डायरेक्शन की बारीकियां सीख रहे थे। वहीं आमिर के पास इस फिल्म के एक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। वहीं अमरीश पुरी जब एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे तो आमिर ने अमरीश पुरी को सीन समझा दिया था। हालांकि अमरीश पुरी आमिर के मुताबिक सीन नहीं कर रहे थे। जी हाँ, आमिर बार बार उन्हें टेक ले रहे थे। इस पर अमरीश पुरी उनसे नाराज हो गए और उन पर चिल्लाने लगे। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर खान से माफी मांगी। बता दें अमरीश पुरी की जो यादगार फिल्मों में, जी हाँ, यादगार फिल्मों की लिस्ट में जो नाम आते हैं उनमें सबसे पहला नाम है निशान, गांधी, कूली, नगीना, राम लखन, मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वांतम, दामिनी, करण, अर्जुन और कोयला जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।